आपकी, अभी आवाज़ आ रही है। आपकी उर्दू की टीचर हूँ मैं, मजरा जमात अव्वल की। आज हमने अपनी किताब का काम करना है और उसका निकाल लें। सफ़ा नंबर हमने करना है 7, सफ़ा नंबर 7 करना है। जल्दी से अपना सफ़ा नंबर 7 निकाल लें। सफ़ा नंबर 7 जल्दी से निकालें, ठीक है। अब देखें उस पे पहला है लफ्ज़ सजाई। इसके नीचे दिए गए अल्फाज के दो दो हम आवाज अल्फाज लिखें। पहला है सजाई, तो सजाई का हम आवाज अल्फाज क्या होगा? गोलाई, गा फा गो, लाम अल्फला, हमजा छोटी, ये गोलाई, सजाई गोलाई। अच्छा, सजाई गोलाई, बलाई, यहाँ पे बलाई आना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा बलाई, ठीक है। बे हे अलिफ लाम अलफला बला हमजा, यही बलाई, ठीक है। गुलाई सजाई बलाई, ठीक है। जुलाई भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे मैं कॉपी पे आपको लिख के बताती हूँ साथ साथ, ठीक है। ये देख लें लफ्ज सजाई, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुलाई का फगो लाम अलफला हमजा ये ई गुलाई। आज की तारीख लिख लें, आज की तारीख क्या है? 21/7/20, ठीक है। और क्या है? मंगल। अच्छा, ये काम कॉपी पे नहीं करना, ये काम अपने अमली किताब पे करना है, यानी वर्कबुक पे करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अच्छा, बलाई भी आ सकता है और जुलाई भी आ सकता है। जो लफ्ज़ जुल बलाई बे है भला लाम अलफला हमजा यही भलाई सजाई गुलाई बलाई, ठीक है। आगे देखें अगला लफ्ज है जहां। जहां को होगा वहां यहां। वहां यहां, अब मैं ये कॉपी पे आपको लिख के बता रही हूं ताकि आप, ये सिर्फ समझने के लिए। अच्छा, वहां, ठीक है, वहां। और अगला है यहां। अब ये यहां पे लिख रही यहां, छोटी है की छोटी शक्ल अलिफ ऑन होना, यहां, जहां, वहां, यहां, ठीक है, जहां, वहां, यहां, हो गया। अब किताब पे जब लिखेंगे तो इस तरह होगा, वहां यहां। आगे देखें नंबर 3 है निराली, माली जाली। अब मैं कॉपी पे लिख के आपको बता रही हूं, माली मीमलफमान लामियली माली और जाली जिमलफजा लामियली जाली माली जाली माली और क्या है? जाली माली जाली दिख रहे हैं आप लोग। आगे देखें नंबर 4 है, मैं ये लिख के बता रही हूं आपको। अगला है रात, बात, साथ। अब यहां पे हम किस तरह लिखेंगे? मैं साथ साथ ये काम ऊपर करती जा रही हूं ताकि आपको नजर आता जाए, ठीक है। ये है रात, बात, बेल बा ते, बात और साथ, सीन अलिफ सा और ते, सात। ये लाइन के ऊपर, मेरे लाइन से नीचे चलेंगे, लाइन के ऊपर सात। ये इस तरह आपने काम करना है, ठीक है। अगर किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछ सकता है, ठीक है। मैं भी चेक करती हूँ आप बच्चे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। ये क्या है? मोहम्मद हसनैन अब्दुल्ला। पेज पे आ जाएं, अब अगला पेज देखें। अब आपका आखिरी काम है, अमली किताब का आखिरी काम है। आपके पास एक अदद स्केल होना चाहिए, यानी फुट। अब देखें मैंने निशान लगाए हैं, मैं स्क्रीन पे ज़रा करीब से करती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए।
ये देखे मैंने फुट के साथ जो जो लिखा हुआ है वैसे लिखे, जैसे यहाँ पे ये है ना दरख्त, तो एरो का निशान लगाए दरख्त, और देखिए ये छोटे छोटे बने हुए ना, तो यहाँ पे लगाए परिंदे, और यहाँ पे लड़कियाँ, पौधे, लड़का, सूरज। अब इसके मुताबिक हमने क्या करना है, दी गई तस्वीर गौर से देखें और इसके बारे में 5 जुमले लिखें। हमने पहले एरो के निशान लगा के सब कुछ मेंशन करना है, फिर इन अल्फाज को लेके हमने यहाँ पे 5 जुमले लिखने। देखें जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये 5, तो हमने यहाँ पे 5 जुमले लिखने हैं। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसको मैं करीब कर देती हूं ताकि आपको नजर आए। ठीक है, अब मैं शुरू कर रही हूँ बेटा काम अपना। अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखें ये एक बाग है। ठीक है, ये क्या है, ये एक बाग है। लिखें ये एक बाग, ये एक बाग है। उसके बाद इसमें क्या लिखें, इसमें बहुत सारे पौधे, इसमें अलिफ सीन, इस में मीम ये में, इसमें इसमें पौधे और दरख्त लिखने, इसमें पौधे और दरख्त है, बहुत सारे मत लिखें आपको लिखने में मसला होगा। इसमें पौधे पौधे और दरख्त, जैसे मैंने ये लिखा था ना दरख्त, और दरख्त दरख्त हैं, इसमें पौधे और दरख्त हैं। ठीक है, ये एक बाग है, इसमें पौधे और दरख्त हैं। नंबर 3 में क्या लिखेंगे, अब देखें ये सूरज, ये यहाँ पे सूरज, सूरज चमक रहा है। सीन वासू रे जीमरज, सूरज सूरज चमक, चे मीम काफ चमक, सूरज चमक रहा, रे हिरफा रहा, सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए ये क्या है, परिंदे, तो परिंदे क्या है, परिंदे उड़ रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, परिंदे परिंदे उड़ रहे, परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। आगे देखें आखिरी है लड़कियां, क्या है, अब एक ये लड़का भाग रहा है, ये लिख लें लड़का भाग, बेल भाग, गाव भाग, लड़का भाग रहा, रे एल्फा, लड़का भाग रहा है। ठीक है, लड़का भाग रहा है, ये एक बाग है, इसमें पौधे और दरख्त हैं, सूरज चमक रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, लड़का भाग रहा है। ये आपकी एक तरह की तख्लीकी तहरीर है जो कि हमने आगे भी करनी है। ठीक है, हमने किस कौन सी कॉपी पे, लैंग्वेज की कॉपी पे, ये बेसिकली लैंग्वेज का काम है। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया उनका हैंड, ये आज का आपका ये काम था और पिछले वाला काम। जी हाँ, एरो लगाना है बेटा, एरो लगाना है, बगैर एरो के तो आपको समझ नहीं पड़ेगी चीज़ों के बारे में। एरो
का निशान इसी तरह लगाना है, जिस तरह मैंने लगाया है ना एरो का निशान, उसी तरह आपने लगाना है जी। और किस बच्चे ने? आज का काम आपका इतना ही है। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज का काम आपका बेटा इतना ही है।